अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर इमान मंदिर ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। आज का टॉपिक ऑफ कंसर्न है हाउ टू मेंटेन एंड हाउ टू सपोर्ट यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्थ। बेसिकली हम ये देखते हैं कि अनहाइजेनिक फूड खाने की वजह से और ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने की वजह से सम हाउ वाइटामिन की डेफिशेंसी की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉमन है, यूरिथ्रा में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन, स्वेलिंग और इसके अलावा इरिटेशन हो जाती है। इसके अलावा यूरिनरी हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। आज इसी के बारे में बात करेंगे जो कि बड़ा कॉमन कंसर्न है कि जिसमें सो मैनी मेडिकेशंस और इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सारा देखें और कॉमेंट्स लाजमी तौर पर बताएँ। विच टॉपिक ऑफ कंसर्न है हाउ टू इम्प्रूव एंड हाउ टू मेनटेन यूरिनरी हेल्थ एंड यूरिथ्रा हेल्थ। बेसिकली अनहाइजेनिक फूड खाने की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिथ्रा में इन्फेक्शन हो जाता है जिसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। आज हमें इसकी ट्रीटमेंट के लिए, इसकी प्रिवेंशन के लिए जो है वो हम बात करेंगे। न्यूट्रीफैक्टर कंपनी की प्रोडक्ट है क्रैनफ्लो। क्रैनफ्लो बेसिकली एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें क्रैनबेरी मौजूद है। क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट 250 mg में अवेलेबल है जो कि सपोर्ट करता है यूरिनरी ट्रैक्ट को एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एंड यूरिथ्रा हेल्थ को। बेसिकली ये इसमें कॉम्बिनेशन वाइटामिन सी के साथ है। जो क्रैनबेरी हैं ये बेसिकली एक डायूरेटिक के तौर पे काम करते हैं फार्माकोलॉजिकली और ये वाटरी पिल है। दूसरे नंबर पे वाइटामिन सी क्या करता है कि ये फ्री रेडिकल्स को डैमेज कर देता है और इसके साथ साथ ये बॉडी में इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, इन्हांस कर देता है। उस लिहाज से क्रैनफ्लो जो कि न्यूट्रीफैक्टर का एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, जो कि इस वक्त आप जितने पैक्स हैं 30 कैप्सूल्स हैं और जिसकी रेगुलर डोजेज 1-2 कैप्सूल पर डे इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है और उसके साथ साथ फ्री रेडिकल्स को डैमेज करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्रैनफ्लो बेसिकली 1-2 कैप्सूल डोजेज में खासतौर पर प्रिकॉशन करनी पड़ती हैं ऐसी इंडिविजुअल, स्पेशली प्रेग्नेंट वोमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन, वो इसको इस्तेमाल जो है करते हुए किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लें। ऐसे पर्सन जो कि सैलिसाइलेट्स ले रहे हैं या फिर वो किडनी स्टोन्स में हैं उसको इस इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टोरेज टेम्परेचर इसका बिलो रूम टेम्परेचर है जिसको इसको मेंटेन रखा, रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये थे बेसिकली क्रैनफ्लो क्रैनबेरी के बारे में, जो कि एसिडिफाइड यूरिन को बेसिकली डिक्रीज करता है और बॉडी के अंदर जो है इन्फेक्शंस को ख़त्म कर देता है, जो कि बड़ा बेनिफिट जो है रोल प्ले करता है। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना पूरी फैमिली ख्याल किया। पाकिस्तान।